संबल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपराधिक घटना को लेकर प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप पूरे घर की लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाकर गूंगी बहरी सरकार प्रदेश में बेरोजगारों का छात्राओं की समस्याओं को बलात्कार जैसी घटनाओं मोदी सरकार का विरोध किया प्रदर्शन। आज समाजवादी पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बेरोजगारों व छात्रों की समस्याएं, किसानों, मजदूरों व व्यापारियों की समस्या को प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा अनदेखी करने पर तथा पूरे प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं, बलात्कार की आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने भी अपने समाजवादी साथियों के साथ प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप पूरे घर की लाइट बंद करके अंधेरा करके दीपक, मोमबत्ती जलाने व थाली बजाने का काम भी किया है। मुझे आशा है कि केंद्र और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार इस ओर ध्यान देकर के प्रदेश में बेरोजगारों व छात्रों की समस्याओं का निदान करेगी। पूरे प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी जो त्राही त्राही कर रहा है, उनकी सुरक्षा तथा रोजी रोटी की ओर भी ध्यान देंगे। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारे देश के कितने छात्र हैं वो आज देश में बेरोजगारी के आलम है। कोई भी छात्रों के हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं है, ज्यादातर छात्र को कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगार छात्र आज क्या करें? इसलिए जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया था कि रात के 9 बजे मशाल जलाकर हम सरकार विरोधी काम करें। हमने सरकार के खिलाफ आज मशाल जलाकर अपना एक प्रोग्राम तय किया है, जिसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी छात्र जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करें और नीट परीक्षा जो आपने करी है इसको रद्द करने का काम करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।